चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर ये करो, बंद करो, बंद करो। पुलिसिया उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो बीते भी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिसिया बंद करो, बंद करो। जो बीते भी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो बीते भी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो बीते भी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं। मतलब होगा क्या मामला? आज मैं नंदेश्वर नंद यादव निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र समाज जनपद बहराइच, आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का पुतला इसलिए फूका है क्योंकि इस कोरोना काल में एग्जाम जो नीट और जेईई की जो परीक्षाओं कराने जा रहे हैं इसमें लाखों छात्रों के जान को खतरा है और उनकी भविष्य को खतरा है क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा लेकिन योगी सरकार ने उसके विरुद्ध उल्टा एग्जाम तो कराने की घोषणा की है और हमारे नेताओं को बुरी तरह से पुलिस से उत्पीड़न कराया गया है, राजभवन पर जो है पीटने का काम किया गया है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। आज तक अभी तक दिग्विजय सिंह देव को रिहा नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि दिग्विजय सिंह देव को अविलंब रिहा किया जाए और ये जो पुलिस या उत्पीड़न है, जो छात्रों पे जो लाठीचार्ज जो किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए और पुलिस या उत्पीड़न बंद हो, लाठीचार्ज बंद हो और इस तरह से अगर किया जाएगा तो हम लोग फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, उसमें कोई जो है कटाई नहीं बरती जाएगी।